ये कुत्रो गर्म हो तो एकदम पूरा लाल बुला जाता भाई हमें देख रहा है पता नहीं खम्मा गणी सर आ रहे हैं भाई। आज का दिन मैं जाऊंगा दिख जाएगा गोदाम पे तो माटी वाटी डलवा लिए तो अभी माटी चेक कर ला कि वो तो देख रहा हूँ कि वो क्या का ही इवन सेट कर रहे है माटी डलवा लिए वो तो देख ला कि वो खुद कर रहे हो काम बताए वो नहीं हो तो अभी नानी आ गई है और ये सारे बर्तन बाहर निकाल दी सर धो रही है इनको साफ करिए क्योंकि वो जो नावण था ना वो कंप्लीट हो गया। नानी साहब गई थी मैं गया नहीं था मैं यहाँ पर ही था तो नानी साहब इन सारे रसोई में पूरा साफ कर दी को रसोई में पोछा लगा दी पूरा साफ कर दी रसोई को और इधर भी तो इधर पोछा लगा रही है देखो नानी साहब उधर साफ कर दी पूरे को कपड़े से इतना कचरा निकाली देखो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाली नानी साहब ने झाड़ू तो लगाता था मैं डेली मगर नानी साहब ने पता नहीं कहाँ से इतना कचरा निकाला है मेरे को भी नहीं पता। तो अभी मैं नानी की हेल्प करा देता हूँ थोड़ा काम करा देता हूँ और फिर दिग्विजय के पास जाना है देख के आ रहा हूँ गोदाम में कैसा क्या काम किया है उसने। तो गाइस दिग्विजय आ गया है और अभी हम जा रहे हैं इसके गोदाम पे देख के आएंगे कि कैसा क्या बता रहे कि वो जो हमने बनाया था इतनी मेहनत की थी उसको हटाना पड़ेगा तो अभी जाते हैं देखते हैं कैसा क्या। तो गाइस अभी ये कर लो पहले तो ये है और अभी जो इसने मिट्टी जहाँ पे गिराई है ना वो इधर जगह है उधर नहीं गिराई चद्दरों की जहाँ पे हमने टेंट लगाया था वहाँ पे तो इसने मिट्टी गिराई नहीं मिट्टी गिराई है यहाँ पे देखो और अच्छे से गिराई एकदम। तो गाइज हम कल गाय लेने जाएंगे दिग्विजय और छोटू जी और मैं हम तीनों जाएंगे गाय लेने जाएंगे लेके आएंगे हाँ तो इसने जैसे बताया ना वैसा ही और कुछ इस तरीके से लगाया इसने दिमाग और ये अच्छा लगा दिया वैसे इधर दीवार का सपोर्ट और ये इधर मिट्टी तो एकदम अच्छे से कर दिया इसने ये तो लेकिन उधर जो मेहनत कराई थी वो फोकट में इसने जो मेहनत कराई ना वो उधर वाली वो फोकट में करा दी कोई मतलब नहीं निकला यहाँ पे कितने अच्छे से कर दिया इसने ये तो अच्छा है वैसे चलो कोई ना तो करेंगे पहलवानी यहाँ पे पहलवानी करेंगे पहलवानी अखाड़ा लड़ेंगे यहाँ पे अखाड़ा। तो गाइस अभी दिग्विजय से मैंने बात की तो उसने बताया कि वहाँ पे सुबह बांध देंगे और शाम को यहाँ पे बांध देंगे तो अच्छा है कि उधर जानवर वगैरह भी आए तो रात को वहाँ पे जानवर आ सकते हैं इधर तो सब लोग रहते हैं इधर सोते हैं लोग तो ध्यान रखेंगे गाय माता का तो एक तरह से अच्छा है कि उसने ये डिसीजन लिया अच्छा डिसीजन लिया। तो अभी कल जाएंगे हम वहाँ पे रामगढ़ और वहाँ से गाय माता को लेके आएंगे। रामगढ़ में क्या पशु हटवाड़ा लगता है वहाँ पे शनिवार को कल शनिवार है कल शनिवार अच्छा तो कल शनिवार है ध्यान भी तो कल जाएंगे पशु हटवाड़ा में से गाय लेके आएंगे। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं खूटा लेने के लिए गाय माता को बांधेंगे तो काय पे बांधेंगे सारा कुछ तो कर दिया लेकिन अभी खूटा ही नहीं लेके आए तो अच्छा था एक खूटा ढूंढ के लेके आ रहे हैं। तो गाइज ये खूटा लिया हमने ये 4 किलो का है ये और ये हुआ है 160 रुपये का। अभी देखो वेट तो गाइज अभी हम खूटे को बैंड करवाना है तो अभी अब ठीक है तो भाई। अच्छा तो ये भाई तो ये भट्टी है इतनी छोटी भट्टी मैं पहली बार देख रहा हूँ सच में तो अभी इसको जला दिए और इस खूटे को गरम करके फिर बैंड करेंगे उस पे मार के अभी देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो अभी इसको बीच में से बैंड कर रहे हैं गरम कर रहे हैं और बाद में बेंड करेंगे इसको अभी देखते किस हिसाब से करेंगे आगे तो किस तरीके से मोड़ रहे हैं इसको अभी फिर से गरम करेंगे तो बहुत गरम हो गया थोड़ा दीजिए कतरो गरम हो गया तो एकदम पूरा लाल कतरो लाल हो गया गानों बजे चले भाई हां तना बुला जाता होता देखो पूरा बैंड कर दिया पूरा ही भाई बुला दो ब्लॉग रो यार देखो क्या हो तो तुमको तो मेरे ऊपर भाई लाज है ओके तो ये कम तो दिल्ली भाई
इंदा दी मुझे पकड़ लिया बट्टी है गाइस ये बट्टी ने गार्ड कर दियो अड़ी ने भगवान आपका होना है आप तो अच्छा बोल दी थी क्या ठीक है उनको मैं सोचना करता हूं एक बार ठीक है तो गाइस कुछ इस तरीके से बनवा के लाए हम ये देख सकते हो आप गार्ड इस तरीके का है और इसको एक बार ये छोड़े गार्ड तो हम फोन है गाइस इतना घुस गया ये तो गाइस अभी फाइनली हमने ये तैयार कर लिया और ये अभी ठोक रहा है इसको ये गार्ड दिया इसको हाँ अपना पूरा अंदर निकल अंदर ही गए ये कुछ इतना सा रखा इसको बाहर गाइस अभी हम खूंटा खोद गाड़ने की कोशिश करे लेकिन वो गड़ ही नहीं रहा क्योंकि हर बार निकल जा रहा है देखो मैं कितना टाइट कर लिया इसको हाँ अभी थोड़ा टाइट हुआ है ऐसे मगर अभी भी लूज है अभी एंगल ला रहा है दिग्विजय तो अभी ये एंगल ढूंढ रहा है दिग्विजय जो इसे मिल नहीं रही है इसके गोदाम में जबकि लोहे का गोदाम है इसका तो गाइस फाइनली खूंटा गाड़ दिया है और मेरी हालत खराब हो गई है भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फाइनली ये गड़ गया और सच में ठोकते ठोकते हालत खराब हो गई इतना सा बार रखा है बस सिर्फ तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर पे नानी का फ़ोन आया नानी बुला रही है कि जल्दी यार नानी को जाना बड़ी मम्मी के वापस नानी साहब बड़ी मम्मी के जाएगी मैं अकेला रहूँगा घर पे तो चलते तो गाइस अभी नानी साहब ने पूरा घर धो दिया और पंखे चला रखे हैं तो गाइस देखो पूरा घर धो दिया नानी साहब ने ये कमरा भी धो दिया जिसमें मैं एक्सरसाइज करता हूँ वर्कआउट करता हूँ और पूरा घर धो दिया नानी साहब ने उधर वो गीला है अभी और वो वाला कमरा गीला है और बाकी सब धो दिया सब एकदम अच्छे से तो गाइस अभी नानी साहब बोल रही है कि नानी साहब को मैं बड़ी मम्मी के घर पे छोड़ने जाऊंगा तो अब आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए जय श्री राम हर महादेव।